हाय दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूँ सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं सोशल एड वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पर आप सोशल एड वर्ल्ड टाइप कीजिए, ठीक है। सोशल एड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए रहता था, अभी नहीं है, हटा दिया गया कंपनी की तरफ से, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म शो करेगा। तो यहाँ पे आपको पहले स्पॉन्सर आईडी चाहिए होगा, तो स्पॉन्सर आईडी किसी का दे दीजिए। जैसे आप कोई जानते हो, किसी को सोशल नेटवर्क जानते हो तो दे दीजिए, जैसे मैं अपना दे दिया हूँ। आप मेरे रेफरल आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फुल नेम दे दीजिए अपना, याद रखिए दोस्तों, फुल नेम में अपना रियल नेम ही देना चाहिए आपको। रियल नेम के अलावा कोई आप नेम नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। वो अगर आप फेक नेम दोगे या ऐसा निक नेम कुछ दे दिए, तो आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, उससे मैच ना करे, तो आपको कंपनी को पे आउट भेजने में, आपको पेमेंट भेजने में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर बाद में आप बोलते रहिएगा कंपनी के हमें पेमेंट नहीं भेजा, ऐसा किया वैसे किया। तो आप ध्यान रखिएगा, अपना जो भी आपका नेम हो, पैन कार्ड में हो, आधार कार्ड में हो, बैंक अकाउंट में है, वही नेम आप यहाँ पे दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर भी वही रियल अपना दीजिएगा, किसी और का नहीं, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो इस अपने फ़ोन में आपका होगा वही नंबर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस भी अपना खुद का दीजिएगा, किसी और का नहीं, जो फ़ोन में होगा वही दीजिएगा। और दोस्तों, पासवर्ड, तो बहुत लोगों को पासवर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पासवर्ड में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पासवर्ड में प्रॉब्लम ये है कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा आप दे दिए पासवर्ड, तो वो मतलब ये लॉगिन हो ही नहीं पाएगा, लॉगिन में प्रॉब्लम आएगा। तो आप ट्राई करिएगा, कंपनी का एक टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर के अंदर ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कंपनी। तो यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद, कंफर्म पासवर्ड देने के बाद, यहाँ पे आप अपना सब कुछ डिटेल, बाकी सब डिटेल फिलअप करने के बाद, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद, सिटी आपका जहाँ पे रह रहे हो वो सिटी भी देने के बाद, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद ऐसे लोडिंग थोड़ा होगा, सर रजिस्ट्रेशन नाम पे क्लिक कर, जैसे मैं किया रजिस्टर नाम पे क्लिक किया तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मेरा तो प्लीज़ फिल आउट डिटेल, मैं तो कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। दोस्तों, एक ही और एक कंडीशन इसका ये है, एक फ़ोन में एक ही आईडी चलेगा। एक फ़ोन में आप चाहोगे कि और एक आईडी खोल लूँ तो नहीं होगा दोस्तों, ब्लॉक हो जाएगा आपका आईडी। तो इसलिए एक फ़ोन में आप एक ही आईडी करो, मतलब इसीलिए आप एक ही नंबर दो, रियल नेम दो, जो आपको कंटिन्यू कर रख सको। एक फ़ोन में एक ही आईडी, एक ही चीज़, एक ही पैन कार्ड, एक ही सब कुछ, एक ही देना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे देने के बाद दोस्तों, आपको एक ओटीपी मांगेगा, दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओटीपी मांगेगा तो एंटर ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ लिख किया आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख किया आएगा यहाँ पे ओटीपी, ठीक है, ऐसा कुछ ओटीपी लिख किया आएगा यहाँ पे। तो आप जो ओटीपी आपका, जैसे मैसेज में यहाँ पे मेरा आया था, जैसे मैसेज में यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे एंटर ओटीपी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद आपका आईडी यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाई सक्सेसफुली। वेरीफाई होने के बाद आपका, वेरीफाई होने के बाद दोस्तों, आप फिर से लॉगिन करिएगा। जैसे मैं कह, देखिए देखो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ मैं, तो मेरा तो लॉगिन करने के बाद ऐसा लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेरा तो ये ओपन हो जा रहा है, आपका नहीं होगा, आपका में ये शो करेगा, ये स्टार्ट बटन। यहाँ पे आपको 6 ऐड कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपका मैं मतलब आपका ऐड शो होगा। तब आपको 6 ऐड कैसे कंप्लीट करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन आपका दिख रहा है ना, स्टार्ट बटन यहाँ पे आप क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे। तो जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आएगा, पहले आएगा आपको टास्क 1 लाइक फेसबुक पेज, तो मैं यहाँ पे सब कुछ कर चुका हूँ। टास्क 2 आता है आपका सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, तो इसको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, लाइक भी करना पड़ेगा, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। टास्क 3 आता है फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपका है तो कर लो, नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्ले स्टोर में जाके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जैसे भी करना है, अगर नहीं है तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे खाली ओपन करके बैक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, मैं खाली बैक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करके करिएगा। उसके बाद डाउनलोड बी2आर ऐप आपको जैसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी का ऐप है दोस्तों, कंपनी का खुद का ऐप है बी2आर,
इसको आप ये B2R ऐप में आपका पहला विड्रॉ आएगा, $10 का विड्रॉ। आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो, होटल बुकिंग ये सब, बिल पेमेंट ये सब कर सकते हो इसमें, जैसे फ्लिपकार्ट जैसे पेटीएम और ये फ़ोनपे करते हैं वैसे। उसके बाद टास्क नंबर 5 आता है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहेगा यहाँ पे, तो आप टास्क नंबर 5 करने के लिए करिएगा डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक हो जाएगा, तो यहाँ पे टास्क जो आ रहा है, ओके लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। ये बॉक्स में कुछ नहीं, ऐड कुछ ऐड शो नहीं कर रहा, जैसे शो किया, रुकिए शो कर रहा है, अब दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक B2R फेसबुक पेज, तो पहले इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ओके लोडिंग हो रहा है, आने दीजिए, फेसबुक का सिंबल आने दीजिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को डील टू इन, रजिस्ट्रेशन ऑन डील टू इन, ये 6 नंबर टास्क मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। पहले आप लाइक कर लीजिए, जैसे फेसबुक का लाइक करेंगे, यहाँ पे फेसबुक आप लॉगिन करके यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, यूट्यूब चैनल को, कोई भी चैनल होगा सब्सक्राइब करेगा। उसके बाद फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करने के बाद, अब उसके बाद B2L नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद, फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही स्किप मत मारिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा ऐसे, सब टास्क कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आप 5 नंबर टास्क पे आइएगा, 5 नंबर टास्क पे आइएगा। उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। ये यहाँ पे ऐड एक शो करेगा टास्क नंबर 5 में, ये जगह जो दिख रहा है यहाँ पे एक ऐड शो करेगा, उसको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ऐड को क्लिक करना है। तो अभी तो ऐड नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी सब टास्क कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको ऐड एक तो आएगा, क्लिक करना है, पूरा लोडिंग होने देना है। उसके बाद आप बैक कर दीजिएगा, वो टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मारिएगा, नेक्स्ट मारने के बाद में लास्ट टास्क आता है आपका डील टू इन। ठीक है, तो डील टू इन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, डील टू में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आप नेम सोशल नेटवर्क में दिए होंगे वही नेम आप यहाँ पे, वही नंबर आप यहाँ पे, वही ईमेल, वही पासवर्ड, सब कुछ वही देने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वही नंबर पासवर्ड दे दीजिएगा जैसे मैं देता हूँ। देने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों रुकिए मैं दे देता हूँ, पहले लॉगिन में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे ओपन आएगा, आपको 6 बिट है, मैं एक बिट यूज़ कर चुका हूँ, ऐसा भी जाएगा। उसके बाद जाके दोस्तों आप बैक कर लीजिएगा। ठीक है, ये टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है, टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब बैक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, बैक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे एक फिनिश टास्क का ऑप्शन कैसे आता है दिखा देता हूँ आपको। ऐसे पहले यहाँ पे फिनिश टास्क ऑप्शन आएगा बैक करने के बाद, अब फिनिश टास्क पे क्लिक करने के बाद आप कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म करने बोलेगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म करने के बाद एक पॉपअप आता है, तो यहाँ पे आपको पॉपअप उसको अनब्लॉक करना पड़ता है, वो ब्लॉक हो गया होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे और ऑलवेज शो पे क्लिक करना होता है। ऑलवेज शो पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी का वीडियो मैं आपको बताता हूँ बाद में, ऐड दिखा के कैसे ऐड देखते हैं वो बताता हूँ आपको पहले। तो दोस्तों उसके बाद आप सोशल एडवर्ल्ड फिर से ओपन कर दीजिए। उसके बाद ओपन करने के बाद आप सोशल एडवर्ल्ड ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड देखने के पैसे मिलते हैं। तो आपको ऐड कैसे दिखने होंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों टुडे ऐड स्टेटस लिखा है यहाँ पे, अगर आप न्यू हैं यहाँ पे आपको पेंडिंग लिखा रहा, मैं आज का देख चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरा सीन लिखा है। तो आपको कैसे देखना होगा, यहाँ नीचे देखिए मोर इन्फो में है, मोर इन्फो लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। मोर इन्फो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे ऐड दिखेंगे, ऐसे ऐड दिखने, तो मोर इन्फो में क्लिक करेंगे आपको पॉपअप ब्लॉक बताएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं दिखाया आपको पॉपअप अनब्लॉक करना है, तो यहाँ पे ऑलवेज शो का ऑप्शन है, यहाँ काटिएगा उसको, काटिएगा मत, ऑलवेज शो मार दीजिएगा, ऑलवेज शो करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा। उसके बाद फिर लॉगिन अगर नहीं हटा तो और एक ऑप्शन है यहाँ पे माय एड्स, यहाँ पे माय एड्स पे भी क्लिक करने से आपको आ जाएगा एड्स। तो आपको एड्स कैसे देखने हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के 20 एड्स हैं, तो आपको देखने कैसे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डील टू इन का ऐड है, मैं सीन कर चुका हूँ सब, तो आपको सीन के यहाँ पे व्यू लिखा होगा आपका। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करेगा, थोड़ा लोडिंग होने दीजिएगा, पूरा थोड़ा लोडिंग होने दीजिएगा, बैक कर लीजिएगा। सब ऐड में ऐसे ही हर एक ऐड में ऐसे 20 बार क्लिक करेगा, आपका यहाँ पे सीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ, रुकिए, अब सीन हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद सब ऐड पर 20 ऐड पर आप देख दीजिएगा, 20 ऐड देखने के बाद आपको 20 ऐड देखने के बाद आपको बैक जाना है। ठीक है, बैक जाना है, यहाँ पे जाना है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट पे
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है आपको। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे सीन लिखा है कि नहीं। सीन नहीं लिखा होगा तो आप कुछ छूट गया होगा। सीन लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप चेक करना आपका बैलेंस कितना है। 30 रुपीज़ देते हैं कंपनी साइनअप करने टाइम, और बाकी 9 रुपया मिलता है आपको ऐड देखने का। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऐड देख चुका हूँ, मेरा 713 है अभी। तो ऐसे ही कर करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, डेली कंप्लीट करना है आपको। डेली 20-20 एड्स देखने हैं आपको, डेली का 9 रुपया मिलेगा। और इनकम और बाकी का वीडियो मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा एक और एक वीडियो है जो सोशल मीडिया क्या है, कैसे कैसे करते हैं, क्यों पैसा मिलता है, ये सब जो है मैं आपका लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अपना बड़ा टीम बना सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते, बड़ा टीम बना के बहुत सारे पैसे इसमें आराम से कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे और एक न्यू अपडेट दूंगा सोशल मीडिया के बारे में। तो आप फॉलो करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन उसको जरूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।